आपका, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिल्क एंड हनी गोल्ड का। मैंने ये मंगवाया था ओरिफ्लेम से, ठीक है। और ये मैं इतना ज़्यादा, मैं आप लोगों को नज़र आ रही होगी, बॉटल में यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मेरी है बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन, ठीक है। तो पहले मैंने कहा मैं इसको यूज़ करूँ, उसके बाद ही मैं इसके बारे में कोई वीडियो बना सकूँगी। तो मैंने इसको यूज़ किया है, ये काफ़ी इफेक्टिव है। आप इसको फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो है मिल्क और हनी, ठीक है, और क्यूकम्बर भी है इसमें, ग्लिसरीन भी है, और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्यूकम्बर और ग्लिसरीन वैसे भी अगर आप अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। मैं ज़्यादातर देसी टोटके ही घर में जो होते हैं, एलोवेरा जेल हो गया और ये चीज़ें मिलाकर मिक्स करके स्किन के ऊपर अपनी यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन इसका जब मैंने सुना कि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने कहा सब इसके बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक भी चला जाता है, तो मैंने कहा चलें इसको मंगवाते हैं और मंगवा कर इसको यूज़ करके देखते हैं। तो मैंने इसको यूज़ किया, मुझे इससे फ़र्क पड़ा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जिन लोगों की ड्राई स्किन वो लोग इसको फेस के ऊपर यूज़ ना करें, और अगर करना भी है उन्होंने तो वीक में सिर्फ एक दफ़ा करें, और यूज़ करने के फ़ौरन बाद कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, जो आप लेकर आते हो घर में, नॉर्मल मॉइस्चराइजर भी, आप फौरी तौर पे इसको फेस पे, अगर आपने इसका स्क्रब लिया किया है फेस के ऊपर इसे, तो फौरी वॉश करने के बाद अपने स्किन को मॉइस्चराइज करें, ताकि आपको फर्क इसका जो है, जो भी स्किन पैकनी हो जाती है या कुछ होती है, वो ना हो। मुझे फेस के ऊपर, मैंने जब इसको किया, मेरी ड्राई स्किन है तो मैं इसको वीक में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करती हूँ और उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ। चलें तो अब मैं आपको इसको हाथों के ऊपर अप्लाई करके बताती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो चलें मैं अब आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ। ये सिर्फ मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली है, और इसको मैं इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको हम स्क्रब करेंगे। फिंगर्स पे तो मैंने पानी साथ लगा के इसको 2 से 3 सेकंड, मैं स्क्रब अपनी स्किन पे, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं इतना ज़्यादा स्क्रबिंग यूज़ नहीं करती, लेकिन जब अगर करना भी हो तो मैं 2 से 3 मिनट या 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको करती, क्योंकि एक चीज़ अगर आपको स्किन पे रिएक्ट कर जाए तो वो फिर सही नहीं है ना। साथ साथ पानी लगाते जाएंगे। आप लोग बाकी इस चीज़ का नहीं समझिएगा कि मैंने स्किन के ऊपर होता है ड्राई स्किन वालों को, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। पहले आप कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो पहले उसको हाथ वगैरह पे अप्लाई करके देखें, अगर आपको रिएक्ट नहीं करता तो तब ही यूज़ करनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक इसको यूज़ कर लिया है, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं कोई चीज़ अगर बंदा यूज़ कर ले और रिव्यू तभी देना जब उसको आपने यूज़ किया हुआ हो। तो ये देखिए, ये देखें, मैं अब दूसरे हाथ पे भी, पहले एक हाथ पे कर लिया, ये देख लें, अब मैं इस पे करी हूँ, फिर मैं आपको हाथ वॉश करके फिर दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और करूँ। चले मैं अब इसको वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, ये मैं क्लियर करके क्लोजअप दिखा दूंगी। ये देखें इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया है। सिर्फ मैंने 2 मिनट्स मैंने इसको क्लियर किया है, क्लिंस किया, वो स्क्रबिंग की है। और ये देखें इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इसके ये है कि आप थोड़ी सी रियायत कर लें जो मैंने बताई है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे बताइएगा ताकि मैं और किसी चीज़ के ऊपर भी इसकी, जैसे मैं कौन सी हैंड क्रीम यूज़ कर रही हूँ या कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, उसका भी रिव्यू आप लोगों को दूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और वीडियो आपके साथ लेकर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।